हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको शुप गाइस। तो गाइस, आज था संडे एंड मैं चला गया था पित्रुष्का एंड वहाँ पर आज बहुत अच्छा मौसम था। एंड मैंने कुछ कमेंट्स में भी पढ़ा कि मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि मेरा नया हॉस्टल कैसा है ये दिखाने को। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपको यहाँ से, मतलब KNB पित्रुष्का जहाँ से हम सामान लेते हैं, यहाँ से लेकर मेरे हॉस्टल तक का पूरा टूर दूँ आपको। तो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग गाइस। तो चलते हैं मेरे हॉस्टल की तरफ। तो गाइस, ये रहा बस स्टॉप जहाँ से हम बस लेते हैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए। एंड उस तरफ KNB एंड पित्रुष्का है जो हमारे हॉस्टल से सिर्फ 3 मिनट के रास्ते पर है, जो कि बहुत ज़्यादा पास है गाइस। तो अच्छा है हमारे लिए, तो क्योंकि सामान लेने के लिए हमें कभी भी दुकान आना पड़ सकता था, इसीलिए KNB एंड ये पास है तो सही है हमारे लिए। एंड हमारा जो हॉस्टल है वो उन झाड़ियों के पीछे तरफ है, मतलब हमें यहाँ से थोड़ा चल के जाना पड़ेगा 3 मिनट तक, एंड फिर हमारा हॉस्टल है। एंड आज तो मौसम बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था गाइस। एंड मैं सुबह सुबह नहा भी लिया था तो और भी अच्छा लग रहा था, फ्रेश फ्रेश टाइप लग रहा था। एंड गाइस, यहाँ पे बहुत सारे चेरी टमेटोज एंड एप्पल्स हो रखे हैं, बट पता नहीं लोगों ने खाते क्यों नहीं है। मैंने तो कभी खाया था एक दो बार, तो मुझे तो अच्छे लगे थे। एंड इनके ही पीछे हमारा हॉस्टल भी है गाइस। तो हमारे हॉस्टल का नाम लेनिनग्राद्स्काया 55 है। अगर आप यूनिवर्सिटी से इधर आना चाहते हो तो आपको 22K या फिर 7P बस लेनी पड़ेगी। सारी 22K एंड 7P बस इधर आती है। एंड ये रहा गाइस हमारा हॉस्टल, जो कि 3 फ्लोर वाला है, मतलब ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। एंड इसमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों रहते हैं, तो ये कोएड हॉस्टल है। एंड आई थिंक शायद ये सबसे अच्छा हॉस्टल है गाइस, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पे सीनियर्स भी रहते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है गाइस, ऐसा नहीं कि रैगिंग वैगिंग होती हो। यहाँ पे सीनियर्स भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड इस तरफ है मेन गेट गाइस, तो चलते हैं हॉस्टल के अंदर। ये रहा गेट गाइस। एंड इधर कैमरेज भी लगे हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई भी बाहर से अंदर आ सकता है। एंड पापा हमेशा गेट के पास रहते हैं, जो कि चेक करते रहते हैं कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। एंड इवन पासपोर्ट जमा करने के बाद, अगर आप फ्रेंड्स को भी लाते हो तो पासपोर्ट जमा करने के बाद ही वो एंट्री देते हैं। तो ये रहा गाइस हॉस्टल, कुछ इस तरह का है। एंड इधर पापा बैठते हैं हमारे, ये रहे पापा बात कर रहे हैं कुछ। एंड वो जानते हैं कि मैं आ रहा हूँ, तो मैं इसी हॉस्टल में रहता हूँ, तो इसलिए उन्होंने रोका नहीं। बट अगर हम बाहर से किसी को लाते हैं तो वो पहले रोकते हैं एंड फिर पूछते हैं पासपोर्ट एंड कहाँ के स्टूडेंट है, कौन है, कितने मिनट तक, कितने टाइम तक रुकेंगे एंड ऑल। एंड इस तरफ गाइज वॉशिंग एरिया भी है। एंड ये मेरे फ्रेंड्स है गाइज, जो कि पहले सोलोव्यूवा में मेरे साथ थे एंड अब लेनिन में हूँ मैं, तो ये भी लेनिन आए हैं। तो इनके साथ टाइम बीत जाता है गाइज, क्योंकि ज़्यादा हमारे सारे फ्रेंड्स अलग अलग हॉस्टल्स एंड फ्लैट्स में चले गए हैं, तो इसलिए। एंड इधर ये कैंटीन एरिया गाइस, यहाँ पे हम लोग सब्जी वगैरह कट करना एंड वो सब कर लेते हैं। एंड इस तरफ किचन है गाइस, तो जहाँ पे समथिंग 5 इंडक्शंस हैं, मीन्स 5 इंडक्शन बोले तो मतलब 3 इंडक्शंस हैं, 4-4 ईच वाले। एंड उधर चूल्हा भी है बड़ा सा, तो सबका खाना वगैरह बन जाता है। एंड ऊपर सेकेंड फ्लोर पे, मतलब सेकेंड फ्लोर ही बोलते हैं, जो हमारे लिए फर्स्ट फ्लोर है वो इनके लिए सेकेंड फ्लोर है, तो उधर लाइब्रेरी भी है। तो ये रहा गाइस लाइब्रेरी। एंड शायद तक ये 10 बजे तक खुली रहती है, मैंने कभी गया नहीं हूँ क्योंकि अभी मुझे एक ही हफ्ता हुआ है इधर आए हुए एंड अभी उतना पढ़ाई का प्रेशर नहीं है, तो मैं लाइब्रेरी में जाकर नहीं पढ़ाऊँ अभी तक, बट मैं इन फ्यूचर जाऊँगा बहुत जल्द। एंड उस तरफ हमारे वॉशिंग एरिया है एंड हमें मम्मा को 5 बजे नाम बता देना पड़ता है कि हमें आज कपड़े धोने हैं, तो मम्मा हमारे लिए वॉशिंग मशीन अलॉट कर देती है। एंड 9 बजे तक वॉशिंग मशीन एरिया खुला रहता है, तो तब तक हम कपड़े धो सकते हैं। एंड इधर वाला ये रूम मम्मा का है, तो आज मैंने कपड़े भी डालने थे, तो मैंने मम्मा को बोल दिया था कि मुझे आज कपड़े धोने हैं, तो मम्मा ने मेरा नाम लिख दिया था। अभी वॉशिंग एरिया वो बंद करके रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक साथ घुस जाते हैं अंदर एंड भीड़ कर देते हैं, तो मम्मा 1-1 घंटा का टाइमर लगा देती है, तो मम्मा खुद ही आती है फिर बुलाने के लिए। ये रहे सारे वॉशिंग मशीन्स गाइस, यहाँ पे 4 वॉशिंग मशीन है एंड लिटरली गाइस सोलोव्यूवा से ये काफ़ी अच्छे तरीके से कपड़े धोते हैं, माई पर्सनल एक्सपीरियंस गाइस। एंड अब चलते हैं ऊपर की तरफ, जो मेरा फ्लोर है 3rd फ्लोर, मतलब जहाँ पे बॉयज़ रहते हैं एंड सेकेंड फ्लोर पे गर्ल्स रहती हैं, फर्स्ट फ्लोर में शायद तक मुझे जहाँ तक पता है दोनों रहते हैं एंड 4th फ्लोर में गर्ल्स रहती है। तो ये रहा गाइस मेरा फ्लोर। एंड चलते हैं अब मेरे रूम पे। एंड मेरा रूम नंबर है 306। ये था इवैक्यूएशन प्लान गाइस, जो कि हर फ्लोर पे लगा हुआ है कि अगर कभी कुछ प्रॉब्लम हुई, क्रॉस फिंगर की ना हो, तो इसलिए इवैक्यूएशन प्लान लगा हुआ है। एंड ये रहा गाइस मैं, एंड ये रहा 306 जो कि है मेरा रूम गाइस। तो ये रहा, लाइट्स बंद है गए, शायद कोई रूम पर नहीं था इसलिए उन्होंने लाइट बंद कर दिया, शायद सब नीचे गए हैं खाना बनाने के लिए। तो ये रहा गाइस, ये 6 सीटर रूम है, यहाँ पे 6 बेड है
ऐसा तीन नीचे तीन ऊपर, एंड हर रूम के पास में चार्जिंग प्लग वगैरह सब कुछ है। एंड हमारा रूम इस साइड है, तो हम बैक साइड है, तो हम बाहर जो बच्चे खेलते हैं एंड जो भी करते हैं हम देख सकते हैं। एंड बहुत अच्छी हवा आती है गाइस लिटरली, एंड सुबह के टाइम पे तो मज़ा ही आ जाता है धूप जब गिरती है। एंड ये रहे हमारे रूम के गणेश जी गाइस, ये मेरे मराठी फ्रेंड्स हैं तो वो लेकर आए थे। एंड ये वाला मेरा बेड है गाइस, एंड हम सारे लोग अच्छे से रूम को रखते हैं, क्लीन रखते हैं गाइस। ऐसा नहीं कि मैंने शूट करने के लिए क्लीन करवाया, ऐसा नहीं, हम हमेशा क्लीन रखते हैं रूम को ताकि एक स्पेस रहे ना कि चलने का। एंड ये मेरी अलमारी है, एंड मेरी अलमारी में भी छोटे से गणेश जी है जो मैं राउरकेला से लेकर आया था गणपति पूजा के टाइम पे, आपने लास्ट व्लॉग्स में देखा ही होगा मेरे मिनी व्लॉग्स में। एंड इधर सबसे बढ़िया चीज़ है कि गाइस जॉइंट वॉशरूम है रूम के साथ, तो मतलब जो सबसे बढ़िया चीज़ होती है क्योंकि रात को कभी भी मुझे नहाने का मन करता है तो वो सबसे अच्छी है। एंड ये रहा गाइस कमोड एंड बेसिन मिरर, एंड ये शावर एरिया है गाइस। तो ये रहा हमारा छोटा सा प्यारा सा रूम गाइस। तो वॉशरूम बंद करता हूँ मैं, एंड इस हॉस्टल पे रूम्स पे लॉक भी कर सकते हैं गाइस, वरना सामान गायब हो जाने का खतरा रहता है ना गाइस रात के टाइम पे, तो वो भी कर सकते हैं। एंड इधर विंडोज़ पे हम अपने आप को भी देख सकते हैं, तो मिरर की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती हमको। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, एंड मैं कल व्लॉग एंड करना भूल गया था तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही। व्लॉग अगर अच्छा लगे तो हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल मेडिकोशिप गाइस। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।